तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासी हलचल से जुड़ी तीन बड़ी खबरों से। कल से भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ विजय अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 14 सितंबर से अपना पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दूसरे दौर की शुरुआत करने जा रही है। और यूपी में चल रही राजनीतिक यात्राओं के बीच आज कांग्रेस ने भी पूरे प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो सियासी चहल पहल बढ़ गई है। 11 सितंबर 14 सितंबर और प्रियंका गांधी पहले से ही मौजूद है उत्तर प्रदेश में, तो सभी दल अपने अपने हिसाब से चुनावी कसरत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। 11 तारीख को बीजेपी का अभियान शुरू होने जा रहा है, वहीं 14 से समाजवादी पार्टी भी अपना अभियान शुरू करेगी और अपनी चुनावी यात्रा को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी वोटों की किलेबंदी करने के साथ साथ अपनी छवि सुधारने में जुट गई है। इसी कड़ी में आज बसपा अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान करते हुए मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पार्टी से निकाल दिया है। मायावती ने आज ट्वीट करके ऐलान किया कि 2022 में बसपा मुख्तार अंसारी को मऊ से टिकट नहीं देगी। मायावती ने अब मुख्तार की जगह मऊ से बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली या माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भले ही मायावती का मुख्तार अंसारी से मोहभंग हो गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तैयार करने में लगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मुख्तार अंसारी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। एआईएमआईएम ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी को मऊ से टिकट को ऑफर करते हुए उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। इसके पहले ओवैसी ने अपने यूपी दौरे के दौरान सुल्तानपुर में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को पार्टी में शामिल करवाया था और अब ओवैसी ने यूपी के एक और माफिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन एआईएमआईएम का कहना है कि अगर कोई शख्स सजायाफ्ता अपराधी नहीं है तो उसे पार्टी में शामिल करवाने में क्या बुराई है। वह चाहे वो मुस्लिम एमएलए रहे हों चाहे मुस्लिम एमपी रहे हों, जब जरूरत पड़ी बीएसपी ने मुख्तार का इस्तेमाल किया, उनकी जरूरत पूरी हो गई तो उन्होंने उठा करके फेंक दिया। मुख्तार अंसारी के ऊपर कौन सा मुकदमा साबित हो गया? अच्छा, इसके पहले वो अपराधी नहीं थे जब आपने टिकट दिया था उनको बीएसपी से? उनके भाई को आपने टिकट दिया तो इसके पहले वो अपराधी नहीं थे? उनके बेटे को आपने टिकट दिया? अगर मुख्तार अंसारी साहब ये चाहते हैं कि वो एमआईएम से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पार्टी हमारी बी फॉर्म देने को तैयार है। मुख्तार अंसारी को लेकर मायावती के कदम को भाजपा ने राजनीति के लिए सकारात्मक कदम बताया है, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि ओवैसी सिर्फ बाहुबलियों के बलबूते चुनाव में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। दल के लोग इस बात को संज्ञान ले रहे हैं कि जनता की जो अपेक्षा है और जनता चाहती है कि युवा चेहरा आने के लिए, जनता चाहती है कि ईमानदार पढ़े लिखे लोग आएं और इस तरह के आपराधिक लोग छवि के लोग को दूर रखें, तो इसमें आज बीएसपी को भी ये समझ में आ रहा है, समाजवादी पार्टी को समझ में आ रहा है, सभी पार्टियों को ये समझ में आ रहा है और ये बहुत अच्छा संकेत है कि जनता के दबाव पर अगर अच्छे कैंडिडेट चुन के आते हैं साफ सुथरी छवि वाले तो जनता के बीच में उसका मैसेज भी अच्छा जाएगा, काम भी अच्छा करेंगे और बहुत सी चीज़ें अपने अपने विधानसभा में हो सकेगा। ना तो मेरा वास्ता बीएसपी से है, ना मेरा वास्ता एमआईएम से है। कौन सी पार्टी किसे रख रही है, किसे निकाल रही है, यह उनका अपना डिस्क्रिप्शन है, वो जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे वो निकालें। मैं तो समाजवादी का इंसान हूँ, हमें तो कोई असर पड़ता नज़र नहीं आता और उसूलों की राजनीति कोई भी पार्टी नहीं कर रही है इन दोनों में से। अगर उसूल तो यही होते हैं कि आदमी क्रिमिनल्स को या जो कंसिडरेशन में जो लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहें। तीन दिनों तक उत्तर प्रदेश का दौरा करने के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ यूपी का दौरा करने वाले हैं। ओवैसी की पार्टी की तरफ से उनके कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
22 सितंबर को असदुद्दीन ओवैसी संभल का दौरा करेंगे। तीन दिन ओवैसी का प्रयागराज का दौरा प्रस्तावित है और अगले दिन 26 सितंबर को ओवैसी का कानपुर जाने का कार्यक्रम है और इसके चार दिन बाद AIMIM अध्यक्ष बहराइच के दौरे पर रहेंगे और अगले महीने 10 अक्टूबर को ओवैसी बलरामपुर जाएंगे। इसके पहले असदुद्दीन ओवैसी 7 से 9 सितंबर तक तीन दिन के यूपी दौरे पर आए थे, जिसमें ओवैसी अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी गए थे। लेकिन बाराबंकी में आयोजित हुए कार्यक्रम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, जबकि कार्यक्रम के आयोजकों पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में कई बैठकें की। इस दौरान कांग्रेस ने अब अपने चुनावी मिशन को धार देने के लिए पूरे प्रदेश में यात्रा निकालने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपनी इस यात्रा को प्रतिज्ञा यात्रा का नाम दिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाकर अपना वचन निभाने की प्रतिज्ञा लेगी। कांग्रेस की यात्रा 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें पार्टी के नेता गांव और कस्बों तक जाएंगे। प्रियंका गांधी चुनाव से पहले संगठन और कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता आज आपसी खींचतान तब सामने उनकी आई जब लखनऊ में पार्टी कार्यालय में उस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए जब प्रियंका कांग्रेस मुख्यालय में नेताओं के साथ बैठक कर रही थी। इसी दौरान दफ्तर के अंदर जाने को लेकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं में तूतू मैमय हो गई और वो एक दूसरे पर टूट पड़े। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए, हालांकि जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे वो कैमरे पर हाथ लगाकर ढकने की कोशिश भी कर रहे थे। सुनिए, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कल से बूथ विजय अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेताओं के अलावा यूपी के बड़े चेहरे शामिल होंगे। इस मौके पर कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल जुड़कर सीधा संवाद करेंगे और कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के गुर बताएंगे। इसके बाद 13 सितंबर को लखनऊ में भाजपा मीडिया वर्कशॉप का भी आयोजन होगा, जिसमें यूपी के सभी प्रवक्ता और आईटी सेल के पदाधिकारी शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ओबीसी वोटर्स को लामबंद करने के लिए पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। 14 सितंबर से सपा के ओबीसी सम्मेलन का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 20 सितंबर को खत्म होगा। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी कई जिलों में सामाजिक न्याय यात्रा भी निकालेगी। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उनके भाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें इरफान सोलंकी का भाई रिजवान रेस्टोरेंट में मारपीट करते दिख रहे हैं। चकेरी इलाके में गुंडई का ये वीडियो वायरल होने के बाद विधायक और उनका भाई इस मामले को पारिवारिक बता रहे हैं, तो वहीं पुलिस जांच की बात कह रही है। तो रेस्टोरेंट में जाकर युवक से मारपीट की थी सपा विधायक इरफान का भाई रिजवान। हालांकि इरफान सोलंकी भी कह रहे हैं कि पारिवारिक मामला है और ये जो मारपीट हुई है पारिवारिक है। वीडियो वायरल हो रहा है, वो मेरी सगी बुआ का लड़का है फैज और दूसरी बुआ का लड़का है, उसका नाम है सफी। सगी बुआ है दोनों, तो उनका कोई झगड़ा हुआ होगा तो पता चला दोनों का, तो हमने रिजवान छोटे भाई को भैया हमने जाओ उनको बुला लाओ, साथ में मेरा गनर भी गया था। अच्छा वो नहीं आ रहा होगा तो रिजवान बड़ा भाई है उसका, तो रिजवान ने कंटा मार दिया। सिर्फ यही है और कोई हकीकत नहीं है इसके सिवा। मामला कल ये था कि मैं कल एक बाबा स्वीट हाउस है पीछे हमारे, कुछ मिलने वाले आए थे, मैं वहाँ कल वहाँ खाना खाने गया, तो क्योंकि वो लड़का जो फैज़ है वो भी हमारी बुआ का लड़का है और जो सैफी है वो भी बुआ का लड़का है और दोनों लोग का एक मतलब इनका जो फैज़ है उसकी बहन और ये सैफी की शादी भी हो गई थी, तो कुछ इनका ये डिवोर्स हो चुका था पहले, तो वो सामने देखते ही एक दूसरे को वर्ल्डिंग में कुछ थोड़ा सा तनाव हो गया, तो इस वजह से मैं वहाँ खड़ा था खाली, तो जब मैंने उसको धक्का दिया कि हटो हटो तो वो मुझे थोड़ा सा धक्का दिया, तो इस नाते एक बुआ के नाते मैंने बुआ के लड़के के नाते मैंने उसके मतलब हटाने का काम करा, बाकी कोई अन्य व्यक्ति तो कोई था भी नहीं जिससे कोई झगड़े की बात करी जाए। CCTV फुटेज है, उसको देख के समझ में आ रहा था कि दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे थे, कुछ बहसबाजी हो रही थी। वहाँ पर स्थानीय जो सब इंस्पेक्टर उनको ही भेजा गया, तो वहाँ के जो कर्मचारियों से बात की गई तो पता चला कि दो व्यक्ति आपस में जो साले और जीजा थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे और वहीं पे बहसबाजी, फिर वो घर चले गए और ना ही किसी प्रकार से वो चौकी पे गए, ना थाने पे, ना कोई सूचना अभी तक दी गई है। फिर भी हम लोग इसकी पूर्णतः जाँच कर रहे हैं और अगर कोई हमारे पास एप्लीकेशन आती है तो विधिवत कार्रवाई। तो तस्वीर आपने देखी, हालांकि पुलिस उस मामले पर अभी कार्रवाई नहीं की है,
रेस्टोरेंट में मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। सीसामऊ के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाइयों का विवादों से गहरा नाता रहा है और ये जो वीडियो फुटेज सामने आया है ये दिखाता है कि कैसे इरफान सोलंकी और उनके भाई लगातार मारपीट करते रहते हैं। इरफान के भाई रिजवान इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहे हैं और मारते हुए एक व्यक्ति को दिख रहे हैं। हालांकि इरफान सोलंकी का साफ तौर पर ये कहना है कि वो जिस शख्स को उनका भाई पीट रहा है वो उनका रिश्तेदार है और ये आपसी मामला था। लेकिन इस तरीके के वीडियोज़ सीसीटीवी फुटेज सामने निकल करके आते हैं और एक बार बताते हैं कि इरफान सोलंकी और उनके भाई किस तरह सरेआम सड़कों पर उतरकर मारपीट करते हैं। पुलिस इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस का कहना है कि तहरीर नहीं मिली है इसलिए इस मामले में वो आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। उधर कानपुर में सीएम योगी का मेट्रो को लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट संकट में है। नगर निगम और मेडिकल कॉलेज के चलते अभी ये प्रोजेक्ट लटक सकता है। दरअसल नगर निगम और कानपुर मेडिकल कॉलेज ने यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया, जिससे साफ है कि ऐसा ही रहा तो कानपुर मेट्रो का ट्रायल रन लटक सकता है। तो मेडिकल कॉलेज ने आपत्ति दर्ज की है, मनमानी का आरोप लगाया है और कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन पर भी अब संकट के बादल गहराने लगे हैं। पिलर्स हैं, ज़्यादातर जगहों पे पिलर्स हमारे एरिया में केंद्र आ रहे हैं। इसके अलावा मेट्रो ने हमसे वादा किया था कि तीन जो गेट डिस्ट्रॉय किए थे वो गेट बनाए जाएंगे, जिस जो अभी तक कहीं उन्होंने बनाने की बात नहीं की है। इसके अलावा मेट्रो के काम में ये भी आता है कि जिन एरिया में उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, जैसे हमारे यहाँ 250 पेड़ काटे गए, जिन पार्कों को डिस्ट्रॉय किया गया है उनका सौंदर्यीकरण करने के लिए भी मैंने बात की है, जो अभी तक उनकी साइड से मुझे कुछ भी सांत्वना नहीं मिली है या उनकी साइड से कोई कंपनसेशन हमारे कॉलेज को नहीं मिला। ये देखिए, ये हमारा जो मेट्रो वाले हैं यहाँ वो बिल्कुल मनमानी करते जा रहे हैं। यहाँ पर जिनकी झोपड़ी थी उनको बगैर किसी से पूछे, बगैर नगर निगम जल संस्थान के लोग रहते थे लेकिन उनसे मतलब नहीं है। आप ये देखिए, पूरी सड़क पर जिनकी झोपड़ी थी उनको पक्का बना के दे रहे हैं और यहाँ के लोगों से पता चला, वो बता तो रहे हैं उनका काम। एक महिला बता रही, गेट मैंने खरीद के दिया। तो ये कोई प्राइवेट काम तो है नहीं भाई, नगर निगम बैठा है, जल संस्थान बैठा है, हमारे प्रशासनिक लोग बैठे हैं। तो आप उनसे बात करिए, जिस हिसाब से हो तो बैठ करके बात हो। योगी आदित्यनाथ सरकार की अब हम बात करेंगे इस बीच, लेकिन बड़ी खबर आ रही मुरादाबाद से। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान सामने आया है कि यूपी में मुसलमानों को जो कुछ मिला वो मुलायम सिंह यादव से मिला, वरना यूपी में मुसलमान थाने की सीढ़ियां तक चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था। जब मुलायम सिंह यादव ने पीएससी और फोर्स में मुसलमानों को 10% भर्ती दी तो मुसलमान की हिम्मत हुई और वो अपने हक की बात करने थानों पर जाने लगा। मुलायम सिंह यादव ने देश में मुसलमानों का मोरल बूस्ट किया है। और हमारे साथ उबैदुर रहमान जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, क्या कुछ बयान में एसटी हसन ने कहा है अपने? देखिए, अब एसटी हसन बात कर रहे थे जो आज की राजनीति है उत्तर प्रदेश की, जिस तरह से मुख्तार अंसारी का मामला है और वैसे लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जरूर इस बात का एहसास है कि जो असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए, सोच प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान किया है, तो उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम वोट कहीं बटेगा नहीं। असदुद्दीन ओवैसी वोट बांटने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो डॉक्टर हसन है सांसद समाजवादी पार्टी, उन्होंने कहा कि उन्होंने 1980 में जो दंगा हुआ था और जो हालात थे उत्तर प्रदेश के पहले सपा समाजवादी पार्टी की सरकार से पहले मुलायम सिंह यादव समय से पहले, उन्होंने हालात ये होते थे कि मुसलमान डर की वजह से थानों तक नहीं जाता था, थाने की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने दिया उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जो कुछ दिया है वो मुलायम सिंह यादव ने दिया है। और मुलायम सिंह यादव ने सरकार आने पर जो मुसलमानों की पीएससी और फोर्स में 10% भर्ती की, उसके बाद से हिम्मत आई, यानी कि मुसलमानों का जो मनोबल था वो बढ़ा और वो अपने हक की बात करने के लिए थानों पर जाने लगे और अपने हक की बात बुलंद करने लगे। कहीं ना कहीं एसपी हसन ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं उनका जो हित है वो समाजवादी पार्टी बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि जो अल्पसंख्यकों के वोट लेने की कसरत यूपी में चल रही है उसमें जनता को कौन बेहतर समझाता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
सुपरटेक मामले में जांच कर रही एसआईटी टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब काम शुरू हो गया है ड्राफ्टिंग का। और ड्राफ्टिंग का काम पूरा होते ही एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगी, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण के सफेदपोश अधिकारी बेनकाब होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार किन किन अधिकारियों को एसआईटी टीम ने दोषी ठहराया है। सुपर टेक मामले में जांच कर रही एसआईटी टीम ने अपनी जांच पूरी कर ड्राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया है और ड्राफ्टिंग का कार्य पूर्ण होते ही एसआईटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगी। इस वक्त हम उसी ट्विंस टावर के बाहर मौजूद हैं जिसको लेकर के एसआईटी गठित की गई थी। आप देख सकते हैं ये वही दो ट्विंस टावर हैं जिनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राधिकरण के अधिकारियों को लेकर के तल्ख टिप्पणी की और यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने मथुरा वृंदावन के 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। इसके साथ ही यहां पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के तहत मथुरा वृंदावन के कुल 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और इस बार की दीपावली अयोध्या में बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसको लेकर भाजपा ने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि अयोध्या में इस बार दिवाली पर 7.5 लाख दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा और नया कीर्तिमान बनाया जाएगा।